नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्टार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला यूपी के बुलेटिन अपना उत्तर प्रदेश का, जहां सबसे पहले बात करेंगे समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की, जिन्होंने एक बार फिर से ही राम मंदिर से जुड़कर लेकर विवादित बयान दिया है। तो लखनऊ में समाजवादी पार्टी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया। उन्होंने कार सेवकों को अराजक तत्व बताया, साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि तत्कालीन समाजवादी पार्टी सरकार ने कार सेवकों पर गोली क्यों चलवाई थी। स्वामी प्रसाद मौर्य ने बयान दिया, जिस वक्त अयोध्या में राम मंदिर पर घटना घटी थी, वहां पर बिना किसी न्यायपालिका या प्रशासनिक के आदेश के बड़े पैमाने तक अराजक तत्वों ने तोड़फोड़ की थी। आगे स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि तत्कालीन सरकार ने संविधान और कानून की रक्षा के लिए अमन चैन कायम करने के लिए गोली चलवाई थी। वो सरकार का अपना कर्तव्य था और सरकार ने अपना कर्तव्य निभाया था। बता दें कि 33 साल पहले साल 1990 में अयोध्या के हनुमानगढ़ी जा रहे कार सेवकों को गोलियां चला दी गई थी। तब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी और मुलायम सिंह यादव सीएम हुआ करते थे। हिंदू साधु संत अयोध्या कूच कर रहे थे। उन दिनों भक्तों की भारी भीड़ अयोध्या पहुंचने लगी थी, जहां प्रशासन ने अयोध्या में कर्फ्यू लगा रखा था। इसके चलते भक्तों ने प्रवेश नहीं दिया जा रहा था, जहां पुलिस ने बाबरी मस्जिद के 15 किलोमीटर के दायरे में बैरिकेडिंग कर रखी थी। इस दौरान कार सेवकों की भीड़ अनियंत्रित हो गई थी, जिसके बाद उन पर गोली चलाई गई थी। जिसके बाद इसको लेकर समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने बयान दिया। और जिसमें अयोध्या में राम मंदिर पर घटना घटी थी, वहां पर बिना किसी न्यायपालिका के निर्देश के, बिना किसी प्रशासनिक आदेश के, बड़े पैमाने पर अराजक तत्वों ने जो तोड़फोड़ की थी, तत्कालीन सरकार ने संविधान की रक्षा के लिए, कानून की रक्षा के लिए, अमन चैन का कायम करने के लिए उस समय जो गोली चलवाई थी, वह सरकार का अपना कर्तव्य था, सरकार ने अपना कर्तव्य। तो ब्रिटेन में बात कर लेते हैं फरुखाबाद की। बता दें कि अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा है। इसको लेकर अयोध्या में 21 क्विंटल का घंटा तैयार कर भेजा जा रहा है। इस कड़ी में 21 क्विंटल का घंटा फरुखाबाद से रवाना हुआ। तो अयोध्या में 22 जनवरी को भव्य राम मंदिर का उद्घाटन होना है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां इस दौरान जोरों से शोरों से की जा रही हैं। इस कड़ी में 21 क्विंटल का घंटा एटा से कयामगंज फरुखाबाद होते हुए अयोध्या के लिए रवाना हुआ। बता दें कि 21 क्विंटल का बना घंटा 22 जनवरी को अयोध्या में जाएगा। इस दौरान सुरक्षा के मद्देनजर घंटे के साथ बड़ी तादाद में पुलिस की गाड़ियां भी फरुखाबाद में मौजूद रही। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं बागपत की, जहां कलयुग के तुलसीदास ने सीएम योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाई है। बता दें कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कार्य किया जा रहा है। 22 जनवरी को रामलला इस भव्य मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। इस भव्य कार्यक्रम की तैयारियां लगभग अंतिम चरण में चल रही हैं। देश भर से राम भक्त अपने आराध्य देव के लिए कुछ न कुछ लेकर आ रहे हैं। ऐसे में बागपत के एक किसान ने गजब की भक्ति दिखाई। किसान ने 6 साल से रामचरितमानस को बांस की कलम से लिखा। किसान का संकल्प था कि वो मंदिर बनने के बाद अपनी तरफ से लिखे ग्रंथ को अपने सिर पर रखकर अयोध्या ले जाएगा। दरअसल ये सारा मामला बागपत के अंगदपुर का है, जहां रहने वाले किसान राकेश शर्मा ने एक ग्रंथ लिखने का संकल्प लिया और उस ग्रंथ को अपने सर पर रखकर भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में स्थित श्री राम मंदिर तक 715 किलोमीटर का सफर करते हुए नंगे पैर से पदयात्रा कर मंदिर के पुजारी को सौंपने का निर्णय ले लिया था। बता दें कि 14 अप्रैल साल 2018 से राकेश शर्मा इस ग्रंथ को लिख रहे हैं, जहां पिछले 6 सालों से लगातार लिखने के बाद भगवान श्री राम का संपूर्ण जीवन इस ग्रंथ में बड़े ही मनमोहक शब्दों में वर्णित किया गया है। इसमें उन्होंने 2 जनवरी को पूरा कर लिया। हालांकि स्वास्थ्य खराब होने के कारण अब वो लाचार और असहाय दिखाई दे रहे हैं। इस स्थिति में उन्होंने सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ से मदद की गुहार लगाई है। किसान राकेश शर्मा ने सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर गुहार लगाई। उन्होंने कहा कि हनुमान जैसा कोई दूत भेजा जाए, जिसके बाद ये ग्रंथ अयोध्या ले जाया जाए। मेरा नाम राकेश कुमार शर्मा है और मैं जिला बागपत तहसील बहुत के छोटे गांव अंगदपुर में रहता हूँ। मैंने ये ग्रंथ 14 तारीख अप्रैल का महीना सन 2018 रामनवमी रविवार के दिन इस ग्रंथ की रचना शुरू की लिखना, और कल ये 2 जनवरी 1924 को
संपूर्ण हुआ। सर जिस समय मैंने ये लिखना शुरू किया था, मेरी और मेरे मेरी तमन्ना थी कि मैं इस ग्रंथ को लिख के पैदल सिर पर ले जाकर भगवान के चरणों में समर्पित करूंगा। लेकिन मैं इतना बीमार हुआ, मेरी हालत बिगड़ती गई और मेरा स्वास्थ्य खराब होता गया। मैं जाए नहीं, असहमत इतना हो गया कि मैं उठ नहीं सकता। और मुख्यमंत्री जी हाथ जोड़ के मैंने यही गुहार लगाई कि वे मुख्यमंत्री मुझ तक कृपा करें और मेरी इस लिखी हुई रामचरित मानस की पुस्तक को किसी अपने दूत को भेजकर ले जाकर उन्हें समर्पित कराने की कृपा करें। मेरा नाम राकेश कुमार शर्मा है और मैं जिला बागपत तहसील बहुत के छोटे गांव अंगतपुर में रहता हूँ। मैंने ये ग्रंथ तो ब्रिटेन में बात सहारनपुर की कर लेते हैं, जहां कांग्रेस ने विनोद उपाध्याय के एनकाउंटर को लेकर कई सवाल खड़े किए। तो सहारनपुर में कांग्रेसियों ने वाराणसी और विनोद उपाध्याय के एनकाउंटर को लेकर सवाल उठाए। पार्टी कार्यालय पर कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने बड़ा बयान दिया। कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने यूपी सरकार और पुलिस पर व्रतकारियों को बचाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि 2 नवंबर को IIT BHU की छात्रा पर 3 लड़कों ने जबरन गन पॉइंट पर उसका बलात्कार कर वीडियो बनाया, ये निंदनीय है। आरोपियों ने जो जघन्य अपराध किया, यूपी सरकार के पास शायद उनके लिए गोलियां कम पड़ गई हैं। उन्होंने कहा कि यूपी ने रोज टांग पर गोलियां लगने की सूचना लगातार मिलती रहती हैं, लेकिन बीजेपी के IT सेल से जुड़े होने की वजह से IIT BHU की छात्रा से बलात्कार करने वाले आरोपियों पर अभी तक भी यूपी पुलिस की तरफ से कुछ नहीं किया गया। साथ ही उन्होंने विनोद उपाध्याय एनकाउंटर को लेकर सवाल उठाया और कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ विनोद उपाध्याय चुनाव लड़े थे तो उनका एनकाउंटर पुलिस प्रशासन के लिए जरूरी हो गया था और पुलिस ने अपना काम किया। इमरान मसूद ने कहा कि प्रदेश में जो भी एनकाउंटर हो रहे हैं उनकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। कोर्ट का काम सरकार कर रही है और खुद ही सजा देने में लगी हुई है, सरकार को यह नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस देश भर में न्यायिक यात्रा निकाल रही है जिसके लिए लोगों को न्याय मिलेगा। देखिए फर्क पड़ रहा है नहीं पड़ रहा है ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन एक माहौल तो राहुल जी ने पूरे देश के अंदर बनाया कि मोहब्बत की बात होनी चाहिए, नफरत की बात खत्म होनी चाहिए, तो ये माहौल तो पूरे देश के अंदर बना है। पहले तो मेरी समझ में निमंत्रण का नहीं आता, भगवान के घर में कौन निमंत्रण देगा भाई, भगवान तो बुलाते हैं, भगवान के घर निमंत्रण थोड़ी आता है, भगवान तो बुलाने वाले हैं। और जिनकी रामचंद्र जी के प्रति आस्था है ये कोई ऐसा विषय नहीं है जिस पर राजनीति है, भगवान राम जो है वो करोड़ों लोगों की आस्था के प्रतीक है और जिसकी उनमें आस्था है उनको मंदिर के निर्माण में या मंदिर में जाना चाहिए, जो जाना चाहे उसमें कोई वो थोड़ी ना है इसके ऊपर चर्चा हो। पहली बार ही सुन रहा हूँ मैं कि निमंत्रण आ रहा है भाई, और कौन निमंत्रण दे रहा है आप, हो कौन निमंत्रण जो दे रहे हो आप, हो कौन भगवान थोड़ी ना हो भाई। तो ब्रिटेन में बात पीलीभीत की कर लेते हैं, जहां विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो पीलीभीत में अमरिया क्षेत्र के ग्राम बगवा और बसंतपुर में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सदर विधायक और राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार ने शिरकत की, जहां संजय सिंह गंगवार ने जनमानस को संबोधित करते हुए भारत सरकार और यूपी सरकार की तरफ से चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी। कार्यक्रम में उज्ज्वला योजना, आयुष्मान कार्ड योजना सहित बाकी योजनाओं के स्टॉल भी लगाए गए, जिनमें राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार ने कर्मचारियों से विस्तार में जानकारी ली और लोगों को पुरस्कार दिया। पूज्य प्रधानमंत्री परम पूज्य नरेंद्र मोदी जी की गारंटी कि अपना देश अपना भारत 2047 तक विकसित देश होगा हमारा, इसको लेके डबल इंजन सरकार के जितने भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको लोगों को जो लाभार्थी थे उनके संवाद और लाभार्थी जो छूट गए थे किसी कारणवश उनके पंजीकरण का काम दोनों का काम आज यहाँ हुआ। प्रधानमंत्री बात कर लेते हैं देवरिया से, जहां से समलैंगिक विवाह करने का मामला सामने आया है। यहां 2 युवतियों ने आपस में विवाह कर लिया। बता दें कि देवरिया में 2 लड़कियों की तरफ से आपस में शादी करने का मामला सामने आया।
देवरिया के चुनकी में स्थित ऑर्केस्ट्रा में काम करने वाली दो लड़कियों ने समलैंगिक विवाह कर लिया। ये दोनों लड़कियां 2 साल से एक दूसरे के साथ पति पत्नी की तरह रह रही थीं। दोनों लड़कियों ने मझौली राज में स्थित भगना भवानी मंदिर में एक दूसरे के साथ शादी रचाई। ये दोनों लड़कियां पश्चिम बंगाल के से एक साथ आई थी और चुनकी में एक ऑर्केस्ट्रा ग्रुप में काम करने लगी थी। दोनों ने सलेमपुर के मझौली राज में स्थित मंदिर में एक दूसरे के साथ शादी रचाई। दोनों की शादी मंदिर में हिंदू रीति रिवाज से की गई। बता दें कि लार थाना क्षेत्र के मठ वार्ड के भेड़िया टोला के पास रहने वाले मुन्ना पॉल लार ब्लॉक के चुनकी बाजार में ऑर्केस्ट्रा चलाते हैं। उनके ऑर्केस्ट्रा में ये दोनों युवतियां करीब 3 साल से डांस करती थीं। डांस के दौरान दोनों में दोस्ती हुई। ये दोस्ती प्यार में तब्दील हुई, जिसके बाद दोनों ने एक दूसरे से शादी कर ली। तो बुलेटिन बात पीलीभीत की कर लेते हैं, जहां पीएम आवास योजना में गड़बड़ छाला सामने आया है। यहां लाभार्थियों को पीएम आवास योजना का लाभ नहीं मिला है। तो पीलीभीत में पीएम आवास योजना में गड़बड़ झाला सामने आया। बता दें कि विकासखंड पूरनपुर क्षेत्र के ग्राम पंचायत बीजू नगर में लोगों ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभार्थियों को योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। लाभार्थियों का कहना है कि उनके पास रहने के लिए छत नहीं है और अब तक उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल सका। लाभार्थियों का ये भी कहना है कि उन्होंने कई बार ग्राम प्रधान से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्राम मकान मिलने की गुहार लगाई, लेकिन ग्राम प्रधानपति ने आवास देने की कोई सुध नहीं ली। बेजूनगर निवासी उर्मिला देवी ने इस दौरान बताया कि सरकार की तरफ से घर घर शौचालय बनवाए गए हैं, लेकिन शौचालयों में भी लेन देन का खेल खत्म नहीं हुआ। उर्मिला देवी ने बताया कि गांव में शौचालय बनाए गए, जिसे लेकर ग्राम प्रधानपति ने 2,000 रुपये उनसे लिए, जबकि योगी सरकार भले ही गाँव गाँव में लाभ पहुँचाने का काम कर रही है, लेकिन ग्राम प्रधान की तरफ से लाभ तो दिया जा रहा है, लेकिन लाभ के बदले रकम भी वसूली जा रही है। आवास नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि प्रधान जी 20,000 रुपए मांग रहे हैं और हमारे पास इतनी व्यवस्था हो नहीं रही है, इसलिए नहीं दे रहे हैं। कहीं कहते हैं ऐसे, और एक तो नीची जाती है, खान को करें या बच्चन को आला या काका करें। तो कहां आप लोग, कहां मजदूरी? मजदूरी कश्मीर चले जाते हैं, कहीं राजस्थान चले जाते हैं, कभी हरियाणा चले जाते हैं, घर पर कभी रहते नहीं। धान उग जाती से है बाबू जी, हमें प्रधान कुछ नहीं देते हैं। हम कमरा गाते हैं, छप्पर पड़े, कई दिन लिंटर पड़े हैं, पर बनी तो है तुम्हारी। अच्छा। और लेटरिंग मिली, वो हम ले ले 2,000 रुपया। 2,000 रुपये किसने लिया? प्रधान ने। क्या आवाज नहीं मिल रहा है? तो ब्रिटेन में बात कर लेते हैं शाहजहांपुर की, जहां पर कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। तो शाहजहांपुर में जिला कुश्ती संघ की तरफ से जिला स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। शाहजहांपुर के हनुमान धाम अखाड़े में प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जहां 16 पहलवानों ने प्रतिभाग किया और अपने दाव पेच लिखा। इस दौरान अतिथियों का स्वागत जिला कुश्ती संघ के अध्यक्ष डॉक्टर विनय गुप्ता और सचिव विपिन अग्निहोत्री, कोषाध्यक्ष सचिन प्रेमी ने बैच लगाकर और फूलमाला पहना कर किया। कुश्ती के पहलवानों को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि अजय कुमार वर्मा ने कहा कि यह बहुत ही गर्व की बात है कि इस धार्मिक स्थल पर कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और एक भारतीय खेल को आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। ये जिला स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता है, जिला कुश्ती संघ शाहजहांपुर द्वारा कराई गई। इस प्रतियोगिता में 16 पहलवानों ने प्रतिभाग किया और ये आज प्रतियोगिता पूरे दिन चलेगी, कल इसका पुरस्कार वितरण किया जाएगा। हम लोग कुश्ती खेल को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। हम लोग ये चाहते हैं जो हमारा भारतीय खेल है, कुश्ती खेल है, जिसमें हम ओलंपिक में मेडल भी लेकर आते हैं, वो और आगे जाए और हमारे ओलंपिक में मेडलों की संख्या बढ़े और हमारे देश में ओलंपिक के अच्छे से मेडल आए, और जिससे हमारा देश भी गर्व कर सके और हमारे यहाँ से अच्छे पहलवान स्थापित। तो बुलेटिन में बात पीलीभीत की कर लेते हैं, जहाँ 3 किशोरों की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल किया जा रहा है। तो पीलीभीत के वी बाजार में 3 किशोरों की मारपीट का मामला सामने आया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। बता दें कि वी बाजार में 3 किशोरों ने कपड़े और चप्पल चोरी किए, जहां उन्होंने कपड़े अपने कपड़ों के नीचे पहने, जिसके बाद इस दौरान दुकान के स्टाफ ने उन्हें मौके पर ही पकड़ लिया, जहां स्टाफ ने 3 किशोरों के कपड़े उतरवाए और उनकी पिटाई की। मारपीट करने और कपड़े उतरवाने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगा। इस मौके पर वी बाजार के स्टाफ ने बताया कि 3 किशोर कपड़े और चप्पल चोरी कर ले जा रहे थे, जहां पर चोरी का सामान बरामद कर किशोर होने के कारण 3 को मारपीट करने के बाद छोड़ दिया गया। बुलेटिन बाद मुजफ्फरनगर की कर लेते हैं, जहां खाकी को शमशार करने का एक मामला सामने आया। बता दें कि यहां दरोगा पर दुष्कर्म का आरोप लगा है।
तो मुजफ्फरनगर जिले से एक खाकी वर्दी को शर्मसार कर देने वाली खबर सामने आई। यहां एक युवती ने एक दरोगा पर 4 साल तक यौन शोषण करने का आरोप लगाया। पीड़िता ने दरोगा के खिलाफ पुलिस अधिकारियों से कार्रवाई करने की मांग की है। आरोप है कि मारपीट करने के मामले की जांच के दौरान दरोगा ने युवती के साथ बलात्कार किया। दरअसल भोपा थाना क्षेत्र के स्थित एक गांव निवासी युवती ने एसपी कार्यालय पहुंचकर अजय बालियान नाम के एक दरोगा पर 4 साल तक ब्लैकमेल कर यौन शोषण करने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई करने की मांग की। आरोप है कि साल 2019 में पीड़ित युवती के चाचा और पिता का जमीनी विवाद को लेकर झगड़ा हो गया था, जिसके बाद क्षेत्रीय चौकी इंचार्ज अजय बालियान ने इस मामले की जांच के दौरान पीड़ित युवती के साथ रेप की घटना को अंजाम देते हुए उसकी अश्लील फोटो और अपने मोबाइल में खींच ली थी। जानकारी के मुताबिक इस समय आरोपी दरोगा अजय बालियान मेरठ जिले में तैनात है। वहीं युवती की शिकायत के बाद इस मामले की जांच जहां एसपी ग्रामीण को दे दी गई है, तो वहीं एसएसपी मुजफ्फरनगर अभिषेक कुमार का कहना है कि इस मामले की जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। एक महिला द्वारा एक सब इंस्पेक्टर अजय के ऊपर सेक्सुअल हैरेसमेंट के आरोप लगाए गए हैं। यह सब इंस्पेक्टर जनपद मुजफ्फरनगर में भोपा थाने की सीकरी चौकी पर 2019 में तैनात था। फिलहाल ये ईओडब्ल्यू मेरठ में तैनात है। इसकी जांच एसपीआरए को दी गई है। गहनता से जांच कराई जा रही है। जांच में आए निष्कर्षों के आधार पर उचित कार्रवाई की जाएगी। हमारे गाँव में झगड़ा हुआ था जमीन को लेकर। एक वो एसआई दरोगा चौकी इंचार्ज था, वो हमारे घर आया जांच के लिए। पापा घर पे नहीं थे, वो मुझे लेके गया जांच के बहाने ले जाके गाड़ी में गलत काम किया। और सन 2019 से अब तक सन 2023 तक लगातार धमकी दे के शोषण करता आ रहा है कि अगर किसी को बताया तो मैं तेरे घर वालों को मार दूंगा। तो ब्रिटेन में बात ग्रेटर नोएडा की कर लेते हैं, जहां सूरजपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। सूरजपुर पुलिस ने हनी ट्रैप गैंग का खुलासा कर दिया है। तो ग्रेटर नोएडा में लोगों को फंसाकर रुपए ऐंठने वाले गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया। हनी ट्रैप और रेप के झूठे केस में फंसाने की धमकी देकर पैसे वसूलने वाले गिरोह का सूरजपुर थाना पुलिस ने खुलासा किया। पुलिस ने कथित वकील, माँ बेटी, भतीजी समेत 5 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया। महिला की बेटी और भतीजी मोबाइल पर मिस कॉल कर, मैसेज कर, दोस्ती कर लोगों को प्रेम जाल में फंसाती थी। जब युवक इन्हें अपने कमरे या होटल पर ले जाता था तो पीछे से उनकी मां और वकील अपने साथियों के साथ मौके पर पहुंच जाते। उस शख्स को रेप समेत संगीन मुकदमे में फंसाने का डर दिखाकर उससे रुपये ऑनलाइन ट्रांसफर किए जाते थे। दरअसल अब तक ये गैंग 5 से अधिक लोगों को फंसाकर करीबन 4 लाख रुपये वसूल कर चुके हैं। पुलिस ने इनके पास से ठगी के 40,000 रुपये से खरीदा घरेलू सामान और 2 लाख रुपये से ज्यादा के मोबाइल बरामद किए हैं। नोएडा सेंट्रल जोन के एडीसीपी हरदेश केठारिया ने बताया है कि सूरजपुर के फारूक, विष्णु, डमरू, श्रीवास्तव, कविता, पूजा समेत एक नाबालिग लड़की को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। नाबालिग को बाल सुधार गृह भेज दिया गया है। आज दिनांक 9 जनवरी को सूरजपुर थाना क्षेत्र में श्री विक्रम सिंह नेगी द्वारा तहरीर दी गई। उसके द्वारा बताया गया कि कप्ता नाम की महिला अपने पुरुष मित्र एवं अन्य महिलाओं के माध्यम से मैसेज आदि के माध्यम से हनी ट्रैप में फंसाते हैं। तत्पश्चात इनको भय दिखाकर इनसे पैसे की वसूली करते हैं, नगद और क्रेडिट कार्ड के माध्यम से यह लोग पैसे की वसूली करते हैं। तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया और इसमें जो इस गिरोह की सरगना है कप्ता नाम की महिला और उसके पुरुष मित्र फारूक एवं अन्य सहयोगियों को गिरफ्तार किया गया है। कप्ता और फारूक दोनों लिविंग में रह रहे हैं और लगभग 6 माह से यह लोग इस प्रकार के कार्य को कारित कर रहे हैं। तरीका क्या था इनका फंसाने का? इनका तरीका ये था, कप्ता से जब जानकारी हुई, पूछताछ हुई, तो कप्ता के द्वारा विगत वर्ष जनवरी 2023 में भी अपनी पुत्री के माध्यम से पॉस्को एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कराया गया था और बाद में अभियुक्त के द्वारा आपस में पैसे लेकर के सुलह समझौता किया गया और माननीय न्यायालय में 164 के बयानों में हॉस्टाइल कराया गया। आज दिनांक 9 जनवरी को
तो ब्रिटेन के आखिरी में बात फिरोजाबाद की कर लेते हैं, जहां पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में पुलिस ने शातिर हिस्ट्री शूटर बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। तो फिरोजाबाद में पुलिस और हिस्ट्री शूटर बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई, जहां पुलिस की गोली लगने से बदमाश घायल हुआ, जिसके बाद पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान पुलिस ने बताया कि बदमाश के कब्जे से एक तमंचा कारतूस बरामद किया गया है। तो वहीं पुलिस ने बताया कि 3 जनवरी को बदमाश ने रणजीत ने अपने साथियों के साथ मिलकर विंकल यादव को मौत के घाट उतार दिया था, जिसके बाद पुलिस लगातार बदमाश की तलाश कर रही थी और मुठभेड़ के बाद शातिर हिस्ट्री शूटर को गिरफ्तार कर लिया गया है। देखिए, आज अभी लगभग 3:30 बजे यहाँ पटेकरा नहर पे SHO और उनकी टीम चेकिंग कर रही थी, उसी दौरान एक व्यक्ति यहाँ संदिग्ध दिखा और ये जा रहा था। इसको रोक करके पूछताछ करने का प्रयास किया गया, लेकिन ये भागा नहर के पटरी की तरफ और वहाँ से इसने पुलिस टीम के बाद के ऊपर फायर किया। जवाबी कार्रवाई हुई, उसके बाद जवाबी कार्रवाई में ये घायल हुआ। यहाँ पे ये कुछ देर के बाद लाइट में देखा गया, ये अपड़ा मिला था। इसके पास एक तमंचा था, उसके बाद 2 जिंदा कारतूस थे, 3 खोखे बरामद हुए उसके पोजीशन से जहाँ पे पड़ा हुआ था। हम लोगों ने इमिडिएटली इसको उठा के हॉस्पिटल भिजवाया। रास्ते में पूछताछ की गई, इसने अपना नाम रंजीत बताया। ये अभी जसराना थाने में घटना घटी थी, 3 तारीख को एक मर्डर हुआ था। उस मर्डर में ये वांटेड था, 25,000 रुपये का इनाम था इसके ऊपर और ये स्थानीय का HS भी है। इस प्रकार इसकी यहाँ पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तारी हुई है और इसमें पूछताछ की जाएगी और वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। तो यूपी के बुलेटिन अपना उत्तर प्रदेश में भी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें ABC स्टार न्यूज़।